नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। सारण जिले के मशरक के जहरीला शराब में हुई 60 से ज्यादा लोगों की मौत की घटना को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान ने काफी गंभीरता से लिया है। 3 दिवसीय यात्रा पर बिहार पहुंचे श्री पासवान ने मशरक के उन गांवों और बस्तियों का दौरा किया जहां शराब पीने से भारी तादाद में लोगों की मौत हुई है। श्री पासवान ने मशरक की दलित बस्ती बहरोली और भकूड़ा भिट्टी के पांडे टोला में जाकर हालात का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढारस बांधते हुए संकट की घड़ी को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री चिराग पासवान ने इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। श्री पासवान ने इस मामले को लेकर प्रशासन के कार्यशैली और मुख्यमंत्री की उदासीनता और संवेदनशीलता को लेकर कहा कि क्या मुख्यमंत्री की यह संवेदना और मानवता रह गई है कि वे लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त करने की जगह विधानसभा में मुस्कुराकर कहते हैं कि जो पीएम वो मरेगा, इन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। श्री पासवान ने मृतकों के आश्रितों के लिए सरकार के मुआवजे की मांग करते हुए कड़े लहजे में कहा कि आज जो परिवार उजड़ा है उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जवाबदेह हैं। ये घटना नीतीश जी की गलत नीतियों, प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और नाकामी का नतीजा है। श्री पासवान ने कहा कि जिस तरीके से आंकड़ों को छिपाने और अपनी पोल खुलने के डर से प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों से डराया धमकाया गया है, दबाव बनाकर बिना पोस्टमार्टम लाशों का दाह संस्कार करवाया गया है, वह अपने अपने पूरी तरह संदिग्ध है और प्रशासन और सरकार तत्पर हो तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। घटना के बाबत श्री पासवान नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब बेचने वालों को नीतीश कुमार का सीधा संरक्षण प्राप्त है। शराब को एक से एक ठेकेदार नीतीश कुमार के संपर्क में है। ठेकेदार उनकी पार्टी में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान, कैप्टन ननन कुमार पासवान, राम प्रवेश यादव, लेबर सेल प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सिन्हा पासवान, सौरभ पांडे, मीडिया प्रभारी कुंदन पासवान साथ मौजूद थे। वो भी वही मांग को रखते थे, पर यही है ना कि जब आज आप सत्ता में हो जाते हैं तो आपके सुर बदल जाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं। ये जो नीति में बदलाव आता है, ये नियत के बदलाव को भी दिखाता है। आज की तारीख में आपकी नियत सिर्फ सत्ता में आप बने रहने की हो गई है। इससे पहले जब आप विपक्ष में थे तो आपको इनका दर्द दिखता था, आपको इनका दुख समझ में आता था, पर आज जब आप खुद सत्ता में चले गए उसके बाद अब आपको भी इनका दर्द नहीं दिख रहा। ये सेम वही भाषा ना बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया भाई, बताइए मुख्यमंत्री खुद अपनी नीति पे उनको क्लैरिटी नहीं है, खुद वो अपने सिद्धांतों पे टिकने वाले नहीं है। इसके 2 उदाहरण मैं देता हूँ। गाँव गाँव घर घर तक शराब की दुकान किसने खुलवाई भैया? पंचायत पंचायत तक अगर शराब की दुकानें खुली 2015 तक, तो ये किसने खुलवाई? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 2016 में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया शराब गलत चीज, उसके बाद यकायक वो एक शराबबंदी का कानून लाते हैं बिना इसकी कोई तैयारी किए हुए। भाई हकीकत है, लोग अल्कोहलिक होते हैं, उनकी रिहाब की आपको व्यवस्था करनी होती है, पर जिस प्रदेश में कैटरैक्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, बताएं ना कितने रिहैब सेंटर्स हैं। आज भी अगर कोई अपनी शराब की लत छुड़वाना जाए तो वो कौन से सेंटर में जाएगा, बताएं मुझे कहां पे जाके वो अपनी लत छुड़ाए भाई शराब की, बिना किसी उचित तैयारी के 2016 में अपनी ज्ञान प्राप्ति के अनुसार ये शराबबंदी का कानून ले आए, वहां तक भी ठीक। 2016 में जब गोपालगंज में जब इसी तरीके की घटना घटी, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लगभग शायद 19 लोग उस वक्त भी मरे थे, सरकारी आंकड़ा था, हकीकत में शायद बहुत ज्यादा मरे होंगे, उस वक्त 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, और आज एकदम से ये बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी नीति, जिस दिन सुबह उठ के इनके जहन में जो आता है वो उस दिन की नीति बन जाती है क्या? नीति कानून के आधार पर बनती है, पॉलिसीज के आधार पर ड्राफ्ट होती है, या मुख्यमंत्री जी की सोच के हिसाब से ड्राफ्ट होती है? एक बार मन करेगा तो आप मुआवजा देंगे, अगली बार मन नहीं करेगा तो आप मुआवजा नहीं देंगे। ये कैसी नीति है एक राज्य की भाई? सोलह में अगर आपने नीति, अगर आपने मुआवजा दिया तो आज क्यों नहीं मुआवजा देंगे, क्यों नहीं देंगे?
क्या ये बिहारी नहीं है? क्या ये आपके परिवार के लोग नहीं है जो वहाँ पे मरे? भाई आप बोलते हैं ना कि मरने वाला माँ, पीने वाला माँ पापी, तो भैया जो पिया वो तो आपने उसको श्राप दिया, वो मर भी गया। आप ही ने कामना की ना कि जो पिएगा वो मरेगा, आपकी कामना पूरी हो गई, वो मर गए।